करने नैना, हुक्म की अमानत है। ये तो क्या कह रहा है बापू, अपनी होने वाली बहू को गाली मत दे, मैं नैना के बगैर नहीं जी सकूं। हमने हुक्म का नमक खाया है, हुक्म की वफादारी हमारे खून में है। तो हुक्म के साथ वफादारी निभाने के लिए तू अपने खून के साथ नाइंसाफी करने को तैयार है बापू? दीवाना हो गया है तू, होश में नहीं है। इस लड़की पर नजर डालना भी पाप है। तू मेरे साथ चल और नैना को हुक्म के हवाले कर दे, मैं हुक्म से तेरे लिए माफी मांगूंगा। बापू, मेरे लिए कुछ मांगना है ना तो भगवान से नैना मांग, उस हुक्म जैसे कुत्ते से क्या मांगता है। ना करने, ना। मैं बेटे की शक्ल में हुक्म का एक बदनसीब दुश्मन देख रहा हूं, और मैं अपने बाप की शक्ल में हुक्म का एक बेरहम जल्लाद देख रहा हूं। यहां वहां क्या मारता है, यहां मार यहां, सारा कसूर तो इस ससुरे दिल का है। दाग दे गोली और फिर लाश बनाकर फेंक देना अपने हुक्म के सामने। ना जी ना, ना जी ना बाबूजी, मेरी खातिर बाप बेटे दुश्मन बन जाए तो मैं जी के क्या करूंगी। ले चलिए मुझे बाबूजी, ले चलिए हुक्म के पास, मगर करण को माफ कर दीजिए बाबूजी। चल तू मेरे साथ। बापू, अपनी बहू का हाथ छोड़ दे, नैना का हाथ छोड़ दे बापू, नैना का हाथ छोड़। अब क्या बोलता है बापू? देखता क्या है, मार डाल मुझे। अगर अपनी और नैना की जिंदगी चाहता है तो मार डाल मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तू नहीं बचेगा। तेरे मेरे बीच में मां का सुहाग नहीं होता ना, तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ता। तूने मुझे जिंदगी दी है ना, आज मैं तुझे जिंदगी देता हूं। हमारा हिसाब बराबर हो गया बापू, बराबर हो गया। करने!